एकलव्य अकेले सैकड़ों यदुवंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इस युद्ध में कृष्ण ने एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान भीम के हाथ मारा गया था। एकलव्य की कुशलता महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला। श्रृंगवेरपुर राज्य एकलव्य के पिता निषादराज हिरण्यधुन का था। उस समय हिंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समकक्ष थी। 5 वर्ष की आयु से ही एकलव्य की रुचि अस्त्र शस्त्र में थी। युवा होने पर एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोणा की ख्याति थी, पर वे केवल विशेष वर्ग को ही शिक्षा देते थे। पिता हिरण्यधनु को समझा बुझाकर एकलव्य आचार्य द्रोणा से शिक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंचा, पर द्रोण ने दुत्कार कर उसे आश्रम से भगा दिया। एकलव्य हार मानने वाले में से ना थे। वह बिना अस्त्र शिक्षा प्राप्त किए घर वापस लौटना नहीं चाहता था। इसीलिए उसके वन में आचार्य द्रोणा की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का आभास करने लगे। शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का आभास कर रहे थे। कुत्ता एकलव्य को देख भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, इसीलिए उसने अपने बाण से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ता द्रोण के पास भागा। गुरु द्रोणा और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया। साथ ही अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के वचन की याद भी आ गई। द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने यह धनुर्विद्या किससे सीखी? इस पर उसने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर ली। पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगवेर राज्य का शासक बना और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने लगा। वह जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर कृष्ण की सेना का सफाया करने लगा। सेना में हाहाकार मचने के बाद श्री कृष्ण जब स्वयं उससे लड़ाई करने पहुंचे तो उसे सिर्फ 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए देख तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। चूंकि वह मानव के नरसंहार में लगा हुआ था, इसीलिए कृष्ण को एकलव्य का संहार करना पड़ा। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था। जब युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब कृष्ण ने अपनी अर्जुन प्रेम की बात कबूली थी। कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और ना चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भील पुत्र एकलव्य को भी वीरगति दी ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा ना आए।